जी सर, भारत बंद को लेकर सर आज आप ग्रामीण क्षेत्र के दौरे पर थे, क्या कुछ रहा दिन भर का घटनाक्रम वगैरह क्या रहा? बंद जो है मूलतः शांतिपूर्ण रहा, सारी जगहों पे एकाध घटना को अगर छोड़ दें, और जो पहले से पुलिस और प्रशासन की तैयारी चल रही थी उसका काफ़ी लाभ मिला, और काफ़ी हर एक वर्ग में और ग्रुप में आपसी सामंजस्य मिला, और टीम वर्क की तरफ पुलिस प्रशासन ने जो काम किया उसके कारण दिन शांतिपूर्ण। सर, शेरगढ़ के सौम्य सर में जो मामला हुआ उसको लेकर के जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे उनके और पुलिस के बीच में क्या समझाइश हुई, आपने ऐसा क्या समझा जिसके कारण धरना समाप्त हुआ और आगे पुलिस ने क्या कार्रवाई करने का उनको आश्वासन दिया? सोमेश्वर जो गांव है वहां पे जो कुछ युवा जो शेरगढ़ कस्बे के रैली में शामिल होने के लिए आ रहे थे उनकी कोई कहासुनी एक व्यापारी या दुकानदार के साथ हुई, जिस के दौरान जो दुकानदार है मैं उनके पैर में कुछ छोटे आई थी, और इस संदर्भ में जो वहाँ लोग थे वो शिक्षकों का डिमांड था कि मुकदमा दर्ज करके आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाए, तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और जो संदिग्ध व्यक्ति इसमें शामिल थे इस घटना में उन्हें दस्तयाब भी करके पूछताछ की जाए। कितने जनों को दस्तयाब किया? पांच से अधिक है जिनसे पूछताछ चल रही है, और जो भी साक्ष्य आएंगे उसके हिसाब से अभी कानूनी कार्रवाई की।